वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। तो लास्ट लेसन के अंदर हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट फंक्शन की बेसिक टाइप को डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम जो इसकी थोड़ी सी एडवांस टाइप है उसको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें ये आपसे इनपुट भी लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो लास्ट टाइप हम लोगों ने जो बेसिक टाइप इसकी डिस्कस की थी उसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा था, उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि जैसे ही मैं इसको एंटर कर रहा हूँ तो ये क्या कह रहा है उसको, ये उसको सिंपल कह रहा है कि गो टू शॉप। ओके, अगर मैं थोड़ा सा ऊपर करूँ, सबसे पहले उसे कह रहा है लीव द हाउस, लीव हाउस, गो टू शॉप, बाय फूड, और मतलब के घर आ जाओ। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जो मेरा रोबोट है उसको मैं कहूँ कि आप इतने पैक्स ऑफ फूड लेके आओ, मतलब कि अभी वो सिंपल जा रहा है और फूड लेके आ रहा है, लेकिन अब मैं इन एडिशन उसे कहना चाहता हूँ कि आप 2 पैक्स ऑफ फूड लेके आओ, या फिर 3 पैक्स लेके आओ, या 4 पैक्स लेके आओ, तो मैं अब इसको 4 टाइम रन करने की बजाय ऐसा क्या करूँ कि ये ऑटोमेटिकली समझ जाए कि मैं इसको इतने पैक लाने का कह रहा हूँ, मतलब कि मैं इसको कह रही हूँ ये शॉप पे जाए और जाके 3 पैक्स ऑफ फूड ले आए। तो इसको हम किस तरह करेंगे, अब यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है इसके 3 वर्जन है। सबसे पहला जो हमारा है वो है बेसिक टाइप जो हमने डिस्कस की, जो सेकेंड है वो हमारा ये वाला जो हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर ये आपसे इनपुट भी लेगा। अब यहाँ पर मैं इसको इनपुट दे देता हूँ पैक, ठीक है, और यहां पर मैं इसको कह देता हूं प्लस। ओके, इसको हम यहां पर सिंपल इस तरह करते हैं, प्लस पैक्स प्लस फूड, ठीक है। ओके, यहां पर मैं सिंपल इसको इस तरह कह सकता हूं, मतलब कि यहां पर मैंने अपने फंक्शन के अंदर मैंने एक पैरामीटर पास कराया, ठीक है, पैक्स नाम का, ठीक है। अब यहां पर ये अगर मैं इसको 3 पैक्स कहता हूं तो ये क्या करेगा, ये जाएगा और 3 पैक्स ऑफ फूड बाय करके ले आएगा। तो बेसिकली हमने किया क्या, हम लोगों ने जो हमारा सिंपल फंक्शन था उसको हम कुछ इस तरह बनाएंगे कि वो हमारा जो पैरेंथेसिस है उसके अंदर हम जो भी इनपुट दें ये उसको एक्सेप्ट करें, ठीक है। अब इस फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, इस फंक्शन के अंदर मैं जो भी इनपुट दे रहा हूँ फंक्शन को, ये उसको अलाउ कर रहा है कि वो जो हमारी सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि हमने अपने फंक्शन के अंदर दी है ये उनके साथ यूज हो, ठीक है। तो इस केस में कि मैं उसको सिंपल कहता हूँ कि गेट फूड, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये इन सारी ये जो सारी इंस्ट्रक्शंस है हमारी ये इन सारों को एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन अब यहाँ पर ये इन एडिशन क्या करेगा, हम इसको स्पेसिफाई कर देंगे कि कितने पैक्स ऑफ फूड आपने लेके आनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इस फंक्शन को क्रिएट करने का जो तरीका है वो जो हमारा सिंपल बेसिक टाइप फंक्शन को जिस तरह हम क्रिएट करते हैं ये सेम एज इट इज वैसे ही क्रिएट होगा, लेकिन इन एडिशन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब हम अपने इस फंक्शन को कॉल करेंगे, देखें यहाँ पर मैंने सिंपल इस फंक्शन को वैसे ही क्रिएट किया जैसे मैं अपने बेसिक फंक्शन को क्रिएट करता हूँ, ठीक है। बस मैंने यहाँ पर सिंपल एक पैरामीटर पास करा दिया, यहाँ पर मैंने इसको पैरेंथेसिस के अंदर एक इनपुट दे दिया। इस फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये हमने सिंपल यहाँ पर फंक्शन का नेम लिखा और पैरेंथेसिस के अंदर हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको पास कराएंगे कि कितने पैक्स ऑफ फूड आपने लेके आने हैं, मतलब यहाँ पर मैं इसको बताऊंगा, मान लो मैं इसको कहता हूँ कि 5 पैक्स ऑफ फूड ले आए, तो यहाँ पर मैंने इसको बताया कि आपने कितने पैक्स ऑफ फूड लेके आने हैं। अब अगर मैं इसको सिंपल यहाँ से रन करूँ तो ये देखें बाय 5 पैक्स ऑफ फूड, इसको हम सिंपल यहाँ पर इस तरह कर देते हैं और इसको यहाँ पर मैं ओके यहाँ पर भी यहाँ ओके, तो ये देखें अब मैंने इसको क्या कहा, अब मैंने इसको सिंपल बता दिया कि आप अब जो मेरा रोबोट है वो यहाँ से सबसे पहले शॉप पे जाएगा, शॉप पे जाके वो क्या करेगा, जो मैंने उसको इनपुट दिया कि कितने पैक्स आपने लेके आने हैं, मैंने उसको इनपुट दिया 5 पैक्स, अब वो क्या करेगा, जो इसके 5 पैक्स हैं, जो 5 पैकेट हैं ये वो जाके ले आएगा, ठीक है। जहाँ पर जो मैंने उसको सिंपली इनपुट दिया इसने उसको इंस्ट्रक्शन के अंदर शामिल किया और वहां पर इसने उनको एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे ये नहीं करना पड़ा कि मैं सिंपल इसको अगर हम इसको रिमूव करें ओके, इसको अगर मैं यहाँ से रिमूव कर दूं, ओके, अब मुझे ये नहीं करना पड़ा कि पहले मैंने इसको एक दफा का एक पैकेट लेके आया, फिर मैंने इसको दोबारा का, फिर मैंने दोबारा का, मतलब अब मुझे 5 टाइम्स अपने जो मेरा रोबोट है उसको नहीं भेजना पड़ा, मतलब मुझे 5 टाइम अपने फंक्शन को कॉल नहीं करना पड़ा। अगर मैं इसको इनपुट ना दूं, मैं सिंपल इसको 5 टाइम भेजूं तो एक तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, ऊपर से ये बार बार जाएगा, ठीक है। उसके लिए मैंने आसानी क्या की, यहाँ पर मैंने सिंपल इसको मैंने यहाँ पर इसको बता दिया कि आपने कितने पैक्स ऑफ फूड लेके आने हैं,
अब यहाँ पर बेसिकली इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि मैं अपने फंक्शन के अंदर उसको कोई भी, फर्ज करें मैंने उसको सिंपल अपना फंक्शन कॉल किया, ठीक है। अब यहाँ पर जिस तरह मैंने उसको पैकेट बता दिया कि इतने पैकेट ले आओ, ठीक है, इसी तरह यहाँ पर मैं उससे कुछ भी करवाने के लिए यहाँ से मैं कोई भी जो इनपुट है वो पास करवा सकता हूँ, जो कोई भी पैरामीटर है वो मैं पास करवा सकता हूँ। तो अब यहाँ पर आप लोगों के लिए एक चैलेंज है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको करेंगे। अगर आपको किसी चीज की समझ नहीं आती इस चैलेंज में तो आप सिंपल गूगल पे जाके उसको खुद सर्च करें ताकि आप लोगों को उस चीज की समझ आ सके कि हमने इसको कैसे यूज करना है। तो यहाँ पर जो चैलेंज है वो चैलेंज ये है कि आप लोगों ने जिस तरह यहाँ पर मैंने इसको जो पैक्स ऑफ फूड है वो मैंने यहाँ पर पास कराया, आप लोगों ने यहाँ पर पास कराना है पैक्स की जगह मनी, यानी कि यहाँ पर आप लोगों ने पैसे पास करवाने हैं, जो मनी होती है आपके आप लोगों ने यहाँ पर वो पास करवाने हैं। आप लोगों ने कैलकुलेट करना है कि इतने पैसों में कितने जो नंबर ऑफ पैक्स है वो आपका जो रोबोट है वो खरीदने के काबिल है, मतलब कि आप जो जितने आप उसको पैसे दे रहे हैं वो उन पैसों के अंदर वो कितने जो नंबर ऑफ पैक्स है वो खरीद के ला सकता है, ठीक है। जिस तरह मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं कहता हूँ कि आप उसको $10 देते हैं, आप उसको $10 देते हैं और यहाँ पर हम इसको कर देते हैं मनी मनी, ठीक है। ओके, आप इसको सिंपल यहाँ पर $10 देते हैं और ये फंक्शन आपको बताएगा कि $10 के अंदर वो कितने पैक्स ऑफ फूड बाय कर सकते हैं। मान लो कि एक पैक ऑफ फूड जो आपका है वन पैक ऑफ फूड ये कितने का है, ये हमारा $2.6 का है। ओके, ये हमारा $2.6 का है, ठीक है। अब आप लोगों ने कैलकुलेट करना है कि अगर हम इसको $10 देते हैं तो ये कितने नंबर ऑफ पैक्स खरीद के ला सकता है, लेकिन अगर हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट करें तो हमारा जो आंसर है वो कुछ इस तरह का आएगा 3.84 और आगे ये और भी आगे जाएगा। अब हम चाहते हैं कि जहाँ पे अब ये 3.84 पैक्स तो नहीं लेके आ सकता, अगर आप शॉपकीपर के पास जाएं उसको आप कहें कि मुझे ये चीज़ दे दे तो वो आपको यहाँ 3 पैक्स देगा या 4 पैक्स देगा। अब वो ऐसे तो नहीं करेगा कि उसका जो एक पैक है वो उसको खोल के आपको उसमें से कुछ जो मटेरियल है वो आपको ऐसे दे, वो आपको सिंपल एक पूरा पैक देगा कि आप इसको ले जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि अगर ये 3.84 आ रहा है तो ये क्या करे, ये सिंपल 3 पैक्स ले आए, जो बाकी 0.84 है ये उनको एज इट इज ले आए, ये उनको यूज ना करे, ये सिंपल 3 पैक्स लेके हमारे पास आ जाए। तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करें और इस चैलेंज को कंप्लीट करने की कोशिश करें और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप गूगल कर सकते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने चैलेंज कंप्लीट कर लिया होगा। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर इसको हमने मनी से चेंज कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको दिया $10, यहाँ पर इसको इसको कहते हैं पैरामीटर, हम लोगों ने यहाँ पर पैरामीटर पास कराया, ठीक है, मतलब कि यहाँ से ये $10 हमने पास कराया, ये $10 अब मनी के अंदर सेव हो गए। मतलब आप इसको ऐसे समझ लें कि जो मनी है ये हमारा एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमारे ये जो $10 हैं ये सेव हो गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ नंबर ऑफ पैक्स इज इक्वल टू, मैं इसको कहता हूँ मनी डिवाइडेड बाय 2.6। ओके, यहाँ पर हमने इसको सिंपल 2.6 कह दिया। ओके, अब यहाँ पर मैं इसको कहता हूँ बाय, इसको हम यहाँ से करते हैं कॉपी और यहाँ पर इसकी जगह मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, पैक्स ऑफ फूड, ओके इट्स फाइन। अब अगर मैं इसको यहाँ से रन करूँ तो ये मुझे क्या दे रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मुझे एक बहुत लंबी वैल्यू दे रहा है 3.84615, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें यहाँ पर सिंपल चाहिए कि अगर ये पॉइंट में वैल्यू आ रही है तो ये उसको राउंड डाउन कर दे, मतलब कि अगर 3.8 आ रहा है, 3.9 आ रहा है, 3.1 आ रहा है, ये सिंपल क्या करे, ये हमारे लिए 3 पैक्स ऑफ फूड ले आए, बाकी जो है उसको ये एज इट इज वापस ले आए, मतलब उसके ये कोई चीज ना लेके आए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम एक फंक्शन का यूज करेंगे। अगर आपको नहीं पता तो हम यहाँ पर आप सिंपल गूगल पे जाएं और गूगल पे जाके आप लोगों ने लिखना है राउंड डाउन जावास्क्रिप्ट। ओके, आप लोगों ने सिंपल इसको ओपन कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये देखें, हम सिंपल W3 स्कूल जो है हमारा इसको हम ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकती हैं कि ये हमारा एक फंक्शन है math.floor और parentheses। अब यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर इसने क्या किया, math.floor के अंदर इसने 1.6 पास कराया। अब ये इसको क्या वापस रिटर्न करेगा, ये इसको सिंपल 1 रिटर्न करेगा,
ये उसको राउंड डाउन कर देगा, ये उसको राउंड अप नहीं करेगा, मतलब कि ये इसको 2 की वैल्यू नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि 1.5 से ऊपर ये 2 की वैल्यू देता है, तो ये सिंपल राउंड डाउन कर देगा उसको, ये उसको पॉइंट के आगे अगर 9 भी है तो ये उसको सिंपल 1 पे राउंड डाउन कर देगा, मतलब ये आपको सिंपल 1 आंसर देगा। तो यहाँ पर हम लोग अगर इधर जाएं और यहाँ पर मैं अगर इसको कह दूं मैथ डॉट फ्लोर और यहाँ पर हम इसको पैरेंथेसिस को क्लोज कर दें, अब अगर मैं इसको रन करूं तो ये देखें, अब इसने सिंपल क्या किया, मुझे इसने कहा बाय 3 पैक्स ऑफ फूड, मतलब कि वो सिंपल 3 पैक्स ऑफ फूड लेके आएगा। अगर मैं यहाँ पर 11 भी पास कराऊं तो ये देखें, ओके 11 भी पास कराऊं तो ये देखें, ये 4 पैक्स पे चला गया, 2.6 ये सिंपल 4 पैक्स पे चला गया। अगर मैं यहाँ पर 12 पास कराऊं तो ये देखें, ये अभी भी 4 पैक्स पे है, क्योंकि ये जो वैल्यू है हमारी वो पॉइंट्स में आ रही है। तो ये हमारी फंक्शन की सेकेंड टाइप है, जिसके अंदर हम अपने फंक्शन के अंदर कोई भी इनपुट पास करवा सकते हैं। पहली टाइप के अंदर हम सिंपल फंक्शन को हमने इंस्ट्रक्शन दी, सेकेंड टाइप के अंदर हम लोगों ने उसके अंदर इनपुट पास कराया। अब जो हमारी थर्ड टाइप है, जो कि हम नेक्स्ट लेसन के अंदर डिस्कस करेंगे, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर हम इनपुट देने के साथ साथ अपने फंक्शन से आउटपुट भी ले सकते हैं। तो उस टाइप को हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।